तो हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एनटीपीसी की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। एक तो ये है रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी आर्टिशियन ट्रेनी, मतलब कि आईटीआई वालों के लिए फॉर टेक्नीशियन के लिए बोंगाईगांव फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम BTR रीजन के लिए। इसमें वही एलिजिबल है जिसके पास परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ BTR के रीजन का आपके पास है, तो ही जाकर आप लोग एलिजिबल हो इसमें। एंड जो नेक्स्ट जिसकी मैं बात करूँगा वहाँ पे आप लोग सभी एलिजिबल हो, तो मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। इसमें वेस्टर्न रीजन 1 हेडक्वार्टर मुंबई की तरफ से यह रिक्रूटमेंट है। इसमें आप लोग ऑल इंडिया आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें स्पेशल ड्राइव है SC एंड ST वालों के लिए। तो चलो, मैं इसका इंग्लिश हिंदी दोनों है, तो मैं इंग्लिश को ओपन करता हूँ। एंड लास्ट डेट है जो है वो 10 सितंबर तक है, तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो। अप्लाई स्टार्ट हो गया है, तो चलो मैं डाउनलोड करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं ओपन कर लिया हूँ। ये जो है एडवर्टाइजमेंट है, सबसे फर्स्ट मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिए ये पोस्ट ऑफ नेम, नेम का डिटेल्स में आपका ST SC के लिए है। तो NTPC सोलापुर, इसमें मैकेनिकल का है, मैकेनिकल में SC का इसमें नहीं है, ST का 1 है। तो टोटल 1, मतलब कि मैकेनिकल में ओनली ST के लिए है। फिर NTPC सोलापुर इलेक्ट्रिकल में, इसमें भी ST का पोस्ट है। एंड माउडा में इलेक्ट्रिकल का है, इसमें आपका SC का पोस्ट है। तो आप लोग जाकर ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, अगर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पे है तो आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल है। एंड डिप्लोमा ट्रेनी मैकेनिकल का, इसमें ST का है, तो इसमें भी फुल टाइम आपका मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन वाले एलिजिबल है। एंड अपर एज लिमिट की बात करूँ तो इसमें यहाँ पर SC ST कैटेगरी इज ईयर दिया हुआ है 30 ईयर, 5 ईयर मतलब कि रिलैक्सेशन मिल गया है। एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 ईयर का ट्रेनिंग के बाद आपका परमानेंट करने वाला है। फिर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस वही 2 स्टेज पे होगा। फिर टेस्ट सेंटर आपका जो होगा वो जी, रिटर्न टेस्ट इज टू बी हेल्ड मुंबई महाराष्ट्र ओनली, यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग देख लेना, मुंबई महाराष्ट्र में ही आपका टेस्ट सेंटर होने वाला है। एंड इसमें देखो जनरल कंडीशन की बात करूँ तो इसमें ऑल ओनली इंडियन नेशन, मतलब कि आप लोग ऑल इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा आपका, ऑनलाइन टेस्ट टेस्ट के लिए आपका कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स को आपको यहाँ पर कैरियर सेक्शन पे आपको जाकर, यहाँ वैसे मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा आपका। लास्ट डेट, इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो लास्ट डेट आपका है 10 सितंबर तक आपका चलेगा। तो अभी टाइम है, जल्दी से जल्दी आप लोग अप्लाई कर दो।